हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को मेरे न्यू ब्लॉग में। और हमें अभी यहाँ नार बालागंज में, ये गेलापुर से जो नार बालागंज की तरफ रोड आई हुई है वहाँ पर है इस समय। और यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं कितना सारा कचरा है, और इधर ये आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कचरा है। और यहाँ पर ये हमारे कुछ न्यूज़ रिपोर्टर साहब जी लोग हैं, तो यहाँ पर जो कि रिपोर्टिंग अभी कर रहे हैं इस टाइम। मैं हूँ अमित कुमार, और इस वक्त हम स्वच्छ भारत मिशन की जो तमाम जो साफ सफाई को लेकर हम अभी कवर कर रहे थे। हमारे साथ भाई साहब हैं जो अभी मैंने इनसे सवाल पूछा है, हमारे साथ अभी मौजूद हैं। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं सब पूरा हटा रहे हैं, और पूरा रोड एकदम से पूरा गंदाया हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा गंदगी एकदम से पूरा बदबू कर रहा है। फिर भी इस रास्ते से क्या करें, मजबूरी है, आना जाना पड़ रहा है लोगों को। और चलिए मैं यहाँ का आप लोगों को कुछ हिस्से दिखा रहा हूँ जो कि काफ़ी गंदे हैं, और आप लोग भी थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। और इस रास्ते से अगर आना होगा तो एक बार ज़रूर सोचिएगा ज़रूर। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ का कुछ हिस्सा दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ की ये सारी गंदगी जो ये यहाँ पर देख सकते हैं। ये सड़क पर इतनी सारी गंदगी है कि जेसीबी से इसको हटाना पड़ रहा है। और ये नार बालागंज से जो गेलापुर वाली रोड आई है वहीं का ही लुक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदगी है। और एक बार अगर आप लोगों को यहाँ से आना हो तो ज़रूर सोचिएगा आने में। ये आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी गंदगी है यहाँ पर रोड के एकदम बगल में ही, कि आना जाना मुश्किल हो गया। और यहाँ पर तो जो लोग रहते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण भी है, और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी हो रही है, सांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और यही बगल में ही ये चीनी मिल का पानी भी आ रहा है गंदगी वाला, और एक तरफ चीनी मिल का पानी गंदगी वाला और दूसरी तरफ शहर के सारे कचड़े। और हमारे फेसबुक पेज को भी आप लोग फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब से हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो चलिए हम आप लोग मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में।